उस्मानदार क्या हुआ? पुलिस ने जो कमेंट जमा कराए हैं उनका कहना ये है कि उनकी कस्टडी में उस्मानदार साहब मौजूद नहीं है, और ये कि हमने उनको अप्रोच नहीं किया। अलबत्ता हमने अपनी जो पिटीशन है उसके साथ तमाम एप्लीकेशन लगाई दी हैं, वो लॉर्डशिप को दिखा दी हैं, जिसके बाद ये डायरेक्शन मिला है कि इस मामले के ऊपर जो है वो FIR दर्ज की जाए फौरी तौर पर। और इंस्ट्रक्शंस मेरे तो यही हैं कि SHO साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और हमने एक स्टेटमेंट भी USB के साथ जमा करवा दी है अदालत में, जिसमें होम मिनिस्टर सिंह जो है वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उस्मान डार जो है वो उनके पास है। ये हम न्यूज़ पे एयर हुई 9 सितंबर को गालबन, और 8:27 पे तो वो हमने जो उसका जो क्लिप है वो कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट से भी जवाब आ गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अब इस गाफे के बाद, इसको गाफे कहते हैं अंग्रेज़ी में, मेरा ख्याल इस गाफे के बाद जो है वो उस्मान डार साहब रिकवर हो जाने चाहिए, लेकिन बाकी अल्लाह से पूरी उम्मीद। होम डिपार्टमेंट क्या कहता है उस्मान डार का? देखिए, होम डिपार्टमेंट ने तो आज टाइम लिया है और SHO के स्टेटमेंट पर रिलाई किया है कि हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो लेकिन अलबत्ता जो होम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास है। तो मैंने यही कोर्ट के अंदर कहा कि बड़ी एक अजीब बात है कि ये होम मिनिस्टर साहब और होम डिपार्टमेंट जो है वो TV चैनल के एंकर्स को अकाउंटेबल हैं और इस कोर्ट को अकाउंटेबल नहीं है। तो ये बड़ा जुरिस्डिक्शन के ऊपर बड़ा सवाल इस हाई कोर्ट की। कोई डेट फिक्स